हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों के रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह से एक दूसरे से अलग होता है। तो अगर हम पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये बहुत सिंपल सा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सेल डिवीजन हो जाता है और फिर वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये फिशन भी हो सकता है या बडिंग भी हो सकता है, स्पोर का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं एसेक्सुअल मेथड में। फिशन का मतलब ये होता है कि कोई एक सेल है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो जाहिर सी बात है एक सेल का बना हुआ होता है, तो वो एक ही सेल दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल बन जाते हैं और वो डॉटर सेल्स जो है फिर पूरे एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं और फिर वो आगे चल के डिवाइड हो जाते हैं, तो ये इस तरीके को फिशन कहते हैं। बडिंग में ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें एक बड बन गया और फिर वो बड डिटैच हो जाता है और डिटैच होकर फिर वो एक अलग पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो ये तरीका भी होता है एसेक्सुअल मेथड, ये भी है। स्पोर फॉर्मेशन, छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं और वो स्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशन पाते हैं तो जर्मिनेट कर जाते हैं और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो ये सब एसेक्सुअल मेथड है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर मल्टी सेलर की बात करें तो मल्टी सेलर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब मल्टी सेलर में जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, लेकिन अगर जो लोअर है तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो किसी एक ऑर्गेनिज्म से उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म की नीड होती है, तब उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन के मोड में ये डिफरेंस होता है कि यूनिसेलर जनरली उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मल्टीसेलर में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं मल्टीसेलर में जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो ये दोनों का अपना अलग अलग मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, जो यूनिसेलर और मल्टीसेलर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।